गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और सब सो रहे हैं। सिर्फ मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे बनाना है बेटे के लिए लंच और ब्रेकफास्ट दोनों, क्योंकि 2 टिफ़िन उसके स्कूल में जाना होता है। वो अभी मॉर्निंग में जाएगा और 3:30 बजे तक वापस आएगा, तो उसके लिए हमें 2 टिफ़िन देना होता है। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ताकि उसकी टिफ़िन रेडी कर लूँ फटाफट से। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने डाला बटर ब्रेड और एक छोटे टिफ़िन में डाला मैंने एप्पल और यहाँ एक पराठा और दही। पराठा दही वो पूरा फिनिश करके आता है, इसलिए हफ्ते में 1-2 बार मैं ये दे देती हूँ उसे। फिर हम निकल जाएंगे मॉर्निंग वॉक करने। अचानक से हमें लगा कि क्या मॉर्निंग वॉक करें, चले कहीं घूम के आते हैं। तो आज हम सुबह सुबह 5:30 बजे निकले एक अच्छी सी जगह को देखने। जाते वक्त ये रास्ता इतना प्यारा था, इतनी ग्रीननेस थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और आज का वेदर तो बहुत ही बढ़िया था। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है, पर बारिश हुई नहीं थी एक बार भी, लेकिन बहुत अच्छा वेदर था। ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई थी और ये ग्रीननेस। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। ये है हमारे रायपुर का ब्लू वाटर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, इतनी सुकून है यहाँ पे, बिल्कुल कोई शहर का शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांत है। थोड़ा देर बैठने के बाद हम भी यहाँ से निकल गए क्योंकि घर जाके फिर बेटे को स्कूल भी भेजना था। बस उसका सारा चीज़ मैंने रेडी कर दिया और उसकी स्कूल बस का टाइम भी हो गया, ये निकल गया। इसके बाद घर के सारे काम ख़त्म किए, फिर शाम गई। और ये देखिए, ये 3 मेरे न्यू ड्रेसेस हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आज मैं कौन सी ड्रेस पहनूँ, क्योंकि आज है हमारा वेडिंग एनिवर्सरी और हम सब मिल डिनर करने जा रहे हैं बाहर। तो ये देखिए, ये मम्मी, मैं और ये हमारी भांजी, पापा, हस्बैंड, बेटा सब आए। ये था मेरा ड्रेस। और यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे खूब सारा फूड एंजॉय किया। यहाँ गोलगप्पे बहुत टेस्टी थे। गोलगप्पे एंजॉय करने के साथ साथ यहाँ पे और भी हमारे लिए फूड रेडी हो रहा था। हम लोग यहाँ पे सब लोग मिलके आए थे खाना खाने, बहुत ही अच्छा लग रहा था, पूरी फैमिली थी। यहाँ पे हमारे लिए लगाया जा रहा था बारबेक्यू, जिसमें था चिकन, फिश, प्रॉन, पनीर, कॉर्न, बहुत सारे आइटम्स। और यहाँ है चावल, दाल, इसमें है कढ़ी और दाल मखनी। यहाँ पर भिंडी आलू की सब्जी और पनीर। यहाँ फ्राइड और है चाउमीन, मंचूरियन। यहाँ पे सैलेड वगैरह भी थे। ये सेक्शन था नॉनवेज का। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, हर एक फूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये है दम का मुर्ग जो बहुत अच्छा लगा। मैं बेसिकली चिकन ही खाती हूँ, मटन मैं नहीं खाती, तो मुझे चिकन बहुत अच्छा लगा। वैसे मटन भी यहाँ का बहुत टेस्टी था, पापा खाए, मेरे हस्बैंड खाए, उनको बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ पे मटन बहुत ही टेस्टी था, मटन भी। और यहाँ पे एग वगैरह भी थे और ये थे स्वीट डिशेस, ये हम बाद में खाएंगे, पहले अपना खाना एंजॉय करते हैं। तो मैंने फर्स्टली मैंने तो बिरयानी और दम का मुर्ग ले लिया था। यहाँ मेरे हस्बैंड मटन लेके बैठे हुए हैं, इनका नान आने वाला है। मैंने अपना खाना ख़त्म करके ये स्वीट डिशेस एंजॉय किए। यहाँ पे गुलाब जामुन, मैंगो फिरनी, ब्राउनी, शाही टुकड़ा और मूंग का हलवा। यहाँ पे बहुत सारे आइसक्रीम की भी वैरायटीज़ थे। आइसक्रीम मम्मी को बहुत पसंद है, इसलिए मम्मी के लिए। केक यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया था और यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छे थे। इसी तरह से आज का हमारा दिन ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।